हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशान सिन्हा एडू प्रायरिटी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूं। हम आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, एवरेज की। एवरेज का मतलब होता है औसत। बात करते हैं एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम की, जो प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो किस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं और उनको हैंडल करने का क्या तरीका होना चाहिए। एवरेज का मतलब होता है औसत, क्या होता है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से डील कर पाएंगे, इसकी बात हम आज की क्लास में करेंगे। सपोज करो आप एवरेज के, पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लूं आपके साथ में। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की संख्या। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को किस तरीके से डील करना है हम उसकी बात करेंगे। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन कहता है 5 नेचुरल नंबर स्टार्टिंग के दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आपसे कहा जाता है इनका औसत या माध्य याद करो, तो आप करोगे क्या? मीन या एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन पांचों नंबर को ऐड करोगे और ऐड करने के बाद आप डिवाइड करोगे 5 से। देखो जब आप ऐड करते हो यहां पर वैल्यू को, तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15 डिवाइडेड बाई 5, इसका मतलब जो मीन आपके पास आएगा ना बच्चे, वो 3 आ जाएगा। आपको ये बेसिक पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पर नंबर 10 नंबर्स की बात करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की, मैंने कहा आपसे मीन निकाल दो, तो मीन निकालने के लिए आप सबसे पहले नंबर को ऐड करोगे। अब मैं ऐड करने से रिलेटेड ही आपसे कुछ बातें करता हूं, आप चीजों को समझने की कोशिश करना। अगर आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, किसी भी नंबर की बात कर रहे हो, पहले हम एवरेज का मतलब ही होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम तीन बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, 1 + 2 + 3 + 4, अगर ये फॉर्मूला अप टू एन टर्म तक है तो जो इनका सम आएगा वो होगा n(n+1)/2। सेकंड अगर हम फॉर्मूले की बात करें, 1² + 2² + 3² + 4², यहां पर फॉर्मूले की बात करें, अगर ये फॉर्मूला अप टू n स्क्वायर तक है तो जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो होगा n(n+1)(2n+1)/6। और फॉर्मूला नंबर 3, अगर ये फॉर्मूला क्यूब के फॉर्म में है, 1³ + 2³ + 3³ + 4³, अगर ये नंबर n के क्यूब तक है तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो होगा n(n+1)/2² ये आएगा क्यूब का फॉर्मूला। ये तीन बेसिक से फॉर्मूले हमें कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनका याद रहना बहुत ही जरूरी है। हालांकि हम इस क्वेश्चन में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन फॉर्मूले का हमारे पास कोई भी यूज नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे नंबर को, नंबर आपके पास 1 से लेकर 10 तक है। आपको पता है कि अगर नंबर का मुझे सम निकालना है तो 1 से लेकर n तक के फॉर्मूले के लिए जो हमारे पास सम का फॉर्मूला है n(n+1)/2, अगर n की वैल्यू 10 होगा तो 10 × 11/2, 2 से कट होगा 5 टाइम, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो होगा 55। आप n की जगह पे 55 रख दो, डिवाइडेड बाई 10, तो जो मीन आएगा, जो फॉर्मूला आएगा, वो आंसर आएगा आपके पास 5.5। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हैं फॉर्मूले के ऊपर और हमें फॉर्मूले से ही दूर रहना है। तो आप बहुत ही बेसिक चीजों की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, आप चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर कभी भी नंबर जो आपके पास गिवेन है उनके बीच का डिफरेंस पूरे सीरीज में अगर सेम होता है तो मीन इक्वल टू आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो मीन का ये फॉर्मूला आ गया, मीन इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो, जब आपके पास क्वेश्चन था 1 से लेकर 5 तक के नंबर का मीन, तो क्या करोगे, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 6/2, जो मीन आएगा वो डायरेक्टली 3 आएगा। जब बात कर रहे थे 1 से लेकर 10 तक के नंबर का मीन, तो करना क्या है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 1 + 10/2, 11/2, इसी जो वैल्यू आएगी वो होगा 5.5। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपके साथ आप
बात कर रहा हूँ एवरेज के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे टेक्निक्स की कि जिससे थ्रू आप क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन, आपसे ऐसा कहा जा रहा है 2 + 4 + 6, इसका आप मीन बता दो। तो आप क्या कहोगे, 2, 4 और 6 का अगर आपको मीन बताना है तो इस सिचुएशन में आपके पास जो वैल्यू आएगी आप कहोगे 2 + 6 / 2, इसका मतलब 8/2, तो जो इसका मीन आएगा वो 4 आ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ 2, 4, 6 और 8 का, तो आप कहोगे कि जो मीन आएगा 2 + 8/2, 10/2, जो मीन आएगा वो 5 आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, इसका मीन बता दो, तो आप कहोगे 2 + 10 / 2, 12/2, जो मीन आएगा वो 6 आएगा। इसका मतलब आप एक बात बहुत ही आसानी से तरीके से समझ पाओगे, वो देखो, जब नंबर 3 था तो मीन आपका 4 आया, जब नंबर 4 था तो मीन आपका 5 आया, जब नंबर 5 था तो मीन आपका 6 आया है। इसका मतलब एक बात तो कह सकते हैं बहुत ही आसानी से और चीजों को समझते हैं, यहाँ से कंक्लूजन जो हमारे पास आया, अगर आप ध्यान से देखो तो जो सारे ही नंबर्स हैं वो स्टार्टिंग के इवन नंबर्स हैं। मतलब ट्रिक ये बनकर आया आपके पास कि मीन ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर इज इक्वल टू एन प्लस वन, मीन ऑफ एन फर्स्ट एन इवन नंबर इज इक्वल टू एन प्लस वन। मीन की हम जो बात कर रहे थे, इसकी वैल्यू आ रही है एन प्लस वन। इस चीज को आप बहुत ही आसानी से याद रख ले, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये कहा जाता है फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर का मीन बता दो, तो आंसर आएगा 50 + 1 = 51। अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर का मीन बता दो, तो आंसर आ जाएगा 101। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए मैं अब एक्सपेरिमेंट जो आपके साथ करने जा रहा हूँ वो ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर में मैंने नंबर कंसिडर कर लिया 135, तो जो मीन आएगा ना वो 1 + 5 / 2, विच इज 6/2, तो जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। मैंने बोला 1, 3, 5, 7, इनका मीन बता दो, तो 1 + 7 / 2, ये आपके पास जो आएगा 8/2, आंसर आपका 4 आ रहा है। अगर आप नंबर को कंसिडर कर रहे हो 1, 3, 5, 7 और 9, तो आपके पास जो मीन आएगा 1 + 9 / 2, 10/2, तो जो मीन आया है वो 5 आया है। तो आप एक बात यहाँ नोटिस कर सकते हो, चीजों को समझो आसानी से, नंबर 3 था मीन 3 आया, नंबर 4 था मीन आपका 4 आया, नंबर 5 था मीन आपका 5 आया है, और ये सारे ही नंबर ऑड नेचुरल नंबर हैं, स्टार्टिंग के ऑड नेचुरल नंबर हैं। इसका मतलब जो टेक्निक आपके पास आई है वो क्या आया है, आप उस चीज को आसानी से समझो। आपसे कहा जा रहा है मीन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, ये जो आया है आपके पास ये इक्वल टू एन आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर आपसे कहा जाता है फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर का मीन बता दो, आंसर आएगा 50। आपसे कहा जाता है फर्स्ट 100 ऑड नेचुरल नंबर का मीन बता दो, आंसर आएगा आपके पास 100। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है और किस पैटर्न पर हमारे एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटी छोटी बातें आप समझें। अगर आपसे ये कहा जाता है कि 5 नंबर का मीन, स्टार्टिंग के 5 नंबर का मीन 3 है, सपोज इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 3 एंड टू इज एडेड टू ईच ऑफ देम, फाइंड द न्यू मीन, मीन ज्ञात करें। हालांकि यहां पर आपको यह बात गिवन है कि जो नंबर कंसिडर किया गया है वो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है, आपके एग्जाम में ऐसी बातें नहीं होंगी। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो नंबर हम कंसिडर कर सकते थे 1, 2, 3, 4, 5, ये लगातार की संख्या है, तो 1 + 5 / 2, 6/2, जो आंसर आपका आएगा वो 3 आएगा।
क्वेश्चन कहता है सब में दो ऐड कर दिया जाए, आप सब में दो ऐड कर दो, 3, 4, 5, 6, 7, अगर आप मीन निकालोगे तो 3 + 7/2 विच इज 10/2, तो जो आपका मीन आया है वो 5 आया है। तो डायरेक्टली अगर आप ओल्ड मीन में दो ऐड कर दोगे तो जो आंसर आएगा आपका वो 5 आएगा। इसका मतलब इससे कंक्लूजन निकला कि अगर आपसे कहा जाता है 2 इज एडेड टू ईच नंबर, डायरेक्टली ओल्ड मीन में आप दो ऐड कर दो, जैसा कि आपने अभी देखा 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया। आपसे कहा जाता है प्रत्येक नंबर में 2 माइनस कर दिया जाता है, आप 3 में 2 माइनस कर दो, आंसर आपका बन आ जाएगा। आपसे कहा जाता है प्रत्येक नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 6 आंसर आ जाएगा। आपसे कहा जाता है प्रत्येक नंबर में 2 से डिवाइड कर दो, आप ओल्ड मीन में ही 2 से डिवाइड कर दो, 3/2 आपका जो आंसर आएगा वो 1.5 आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बातें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपोज करते हैं क्वेश्चन है इफ मीन ऑफ फाइव ऑड नंबर इज 15, आपसे पूछा गया है फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 स्मॉलेस्ट नंबर, सेकंड आपसे पूछा गया है लार्जेस्ट नंबर, थर्ड आपसे पूछा गया है उनका डिफरेंस, और फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। चीजों को हम समझते हैं और चीजों को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करें। मीन ऑफ फाइव ऑड नंबर इज 15। यहां पर पहले मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, उसके बाद मैं आपसे टेक्निक की बातें करूंगा। मान लेते हैं अगर यहां पर हमारे पास नेचुरल नंबर कहा जाता है, कभी भी अगर आपसे पूछा था कंजिक्यूटिव नंबर एज्यूम करने के लिए, कंजिक्यूटिव नंबर तो पहली संख्या आप एक्स मानोगे, अगली संख्या एक्स प्लस 1, नेक्स्ट एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, ये नंबर जो आपके पास आएगा वो कंजिक्यूटिव नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन ऑड नंबर या इवेन नंबर, तो आप बात करोगे सबसे पहले एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8। दोनों ही सिचुएशन में चाहे आपका नंबर ऑड होगा या आपका नंबर इवन होगा, दोनों ही सिचुएशन में जो नंबर आप एज्यूम करोगे वो एक्स होगा, एक्स प्लस 2 होगा, एक्स प्लस 4 होगा, एक्स प्लस 6 होगा और एक्स प्लस 8 होगा। क्वेश्चन को करने का तरीका, अब आप इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो कि ऑड होगा तब भी एक्स एक्स प्लस 2 मानना है, इवन होगा तब भी एक्स एक्स प्लस 2 मानना है, ऐसा क्यों? आप इस बात को समझें, अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर के केस में आप जो नंबर एज्यूम करते हो 1, 3, 5, 7, 9, ये जो भी कंजुकेटिव नंबर हैं, इनके बीच का डिफरेंस 2 का रहा है। अगर आप इवन नंबर की बात करते हो 2, 4, 6, 8, 10, इन सभी के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है। इसका मतलब अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, नंबर चाहे ऑड हो या इवन हो, अगर डिफरेंस सेम है, दोनों में ही डिफरेंस 2 का आ रहा है, इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम नंबर को एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10 इस तरीके से एज्यूम करते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर मैं आपसे थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। आपसे कहा जाता है 5 नंबर दिया है और वो 5 नंबर ऑड हैं। एक्स मान लेते हैं पहली संख्या, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, डिवाइड करना है 5 से, तो जो मीन आपके पास आ रहा था आप देख सकते हो वो मीन 15 आ रहा था। क्वेश्चन में जो मीन गिवन है वो 15 गिवन है।
करना क्या है, x 5 टाइम्स आया है, 5x प्लस 8 प्लस 6 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20 इक्वल टू, ये जो आएगा वो 75 होगा। तो 5x की जो वैल्यू आएगी वो 55 होगी, तो जो x की वैल्यू आएगी वो 11 होगा। इसका मतलब जो मीन आपके पास आया है 11, 13, 15, 17 और ये जो आएगा वो 19 आएगा। आपसे पूछा गया था स्मॉलेस्ट नंबर, आंसर 11। आपसे पूछा गया लार्जेस्ट नंबर, आंसर आपका 19 आया। आपसे पूछा गया था उनका डिफरेंस, स्मॉलेस्ट 11, लार्जेस्ट 19। आपसे पूछा गया डिफरेंस, वो 8 आएगा। और आपसे पूछा गया उनका मीन बता दो, तो आप करोगे 11 प्लस 19 अपॉन 2। अगर आप यहां पर नंबर को ध्यान से देखो तो 11 प्लस 19 की वैल्यू 30 आती है, 30 अपॉन 2, तो जो मीन आएगा वो 15 आ रहा है, तो जो आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे एक एक करके इस टाइप के टेक्निक की बात करता हूं। आपसे पूछा गया सबसे पहले लास्ट के हम दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिफरेंस बताना है फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का। जब आपने यहां पे नंबर को एज्यूम किया था तो एज्यूम करते टाइम पर आपने बात कंसीडर की कि जो नंबर स्मॉलेस्ट था वो एक्स था, जो नंबर लार्जेस्ट था वो एक्स प्लस 8 था। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली अगर आपसे कभी नंबर पूछा जाता है तो डिफरेंस होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, x और x कैंसिल आउट, आंसर आपका 8 आ गया। तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो कि डिफरेंस फाइंड आउट करते टाइम पर फर्स्ट और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं है। अब अगर आपको मैं टेक्निक बताऊं तो आप चीजों को समझें। आपसे कहा गया 5 नंबर जिनका मीन गिवन था 15 और आपसे कहा गया वो 5 नंबर ऑड हैं, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का मीन बता दो या डिफरेंस बता दो। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको अच्छे से पता है नंबर ऑड हो या इवन, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 का होता है। अगर हम फर्स्ट नंबर 2 एज्यूम कर लें और फिफ्थ नंबर 10 एज्यूम कर लें तो डिफरेंस आपके पास ऑटोमेटिकली 8 का आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी नंबर को एज्यूम करके उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आपसे कहा जाता है 10 नंबर दिया है, 10 नंबर का मीन x गिवन है, आप बता दो वो सारे नंबर अगर ऑड हैं या इवन हैं तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस बता दो। 10 नंबर्स थे ऑड हैं या इवन हमें नहीं पता, बट एक बात गारंटी है क्योंकि बीच का डिफरेंस 2 का गिवन है, तो आप कह सकते हो कि अगर फर्स्ट नंबर 2 है और 10th नंबर 20 है तो 2 और 20 के जो बीच का डिफरेंस होगा ना वो 18 का होगा, तो जो आपका आंसर आएगा वो 18 आएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं एक बार हम। अब देखो अगर आपसे पूछा जाता है सेकंड क्वेश्चन में मीन बता दो, आप ध्यान से देखो आपके पूरे सीरीज की मीन 15 गिवन थी, फर्स्ट और लास्ट नंबर आपके पास गिवन है। अगर 11 और 19 को आप मीन निकालोगे तो 30/2 15 आ जाएगा। अगर सेकंड लास्ट और स्टार्टिंग से सेकंड नंबर का मीन निकालोगे तो 13 प्लस 17 ये भी 30 आएगा, जिसका मीन 15 आएगा, और ये जो नंबर है इसका मीन भी 15 आ रहा है। तो सीधा सा मतलब है कि मीन जो होता है ना, जो पूरे सीरीज का मीन है वही फर्स्ट और लास्ट का मीन है, वही पहले से दूसरे और अंतिम से दूसरे नंबर का मीन है, वही पहले से तीसरे और अंतिम से तीसरे नंबर का मीन है। तो मैंने आपका ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे सीरीज का मीन 15 है तो पहले और अंतिम संख्या का मीन बता दो, तो वही आएगा जो पूरे सीरीज का मीन था। तो जो पूरे सीरीज का मीन था उसकी वैल्यू आ गई है 15, तो आप आसानी से निकाल सकते हो जो आपका आंसर आया है 15। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन की, जिसमें हम बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर की। आप चीजों को समझें, अगर आपका मीन 15 आया है तो एक बात आप देखें, एवरेज की हम बात कर लें यहाँ पे, एवरेज में भी हम बात कर रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर की, स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर। अगर आप देखें ये वाला नंबर अगर आपका एवरेज है तो लार्जेस्ट नंबर एवरेज से राइट साइड है और स्मॉलेस्ट नंबर एवरेज के लेफ्ट साइड है, तो जो राइट साइड का नंबर है वो एवरेज प्लस होगा और जो लिस्ट नंबर है वो एवरेज के लेफ्ट साइड सिचुएटेड था, इसका मतलब वो एवरेज माइनस होगा। टोटल नंबर्स 5 थे जिनमें से एक नंबर खुद आपका एवरेज है, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात करेंगे वो रिमेनिंग 4 नंबर में से कर रहे होंगे, और ये जो 4 आया वो 5 माइनस 1 करके आया था और 5 आपके पास टोटल नंबर गिवन थे। इट मींस जब भी आपसे ऑड या इवन के केस में स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए यू कैन अप्लाई
स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल टू एवरेज माइनस एन माइनस वन और लार्जेस्ट के लिए एवरेज प्लस एन माइनस वन। ये तब अप्लीकेबल होगा जब नंबर आपके पास ऑड या इवन पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप चीजों को करके देखते हैं हम एक एक क्वेश्चन पे कैसे अप्लाइड है। आप देखें आपके पास एवरेज दिया था 15, नंबर आपके पास 5 था, 5 माइनस 1 4, तो स्मॉलेस्ट कितना आ गया आपके पास 11। लार्जेस्ट आपके पास पूछा गया था 15 प्लस 4, तो लार्जेस्ट नंबर आपके पास क्या आ गया 19। तो स्मॉलेस्ट नंबर 11, लार्जेस्ट नंबर 19, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया है। आगे आते हैं चीजों को समझते हैं कि चीजें किस तरीके से आप डील करोगे। यहां से हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 8 का मार्ग संख्याओं का औसत 6.5 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत ज्ञात करें। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है बच्चे कि जो पूरी नंबर का मीन होता है ना, वही छोटी और बड़ी संख्या का मीन होता है। इसका मतलब अगर पूरे सीरीज का मीन आपके पास क्वेश्चन में, सीरीज का अगर हम मीन की बात करें, अगर वो 6.5 है तो फर्स्ट एंड लास्ट, इट मीन्स स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो मीन होगा वो भी 6.5 होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन कहता है प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो आप देखें यहां पर फर्स्ट 100, तो आपको पता है एवरेज निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं अगर नंबर का सीरीज सेम डिफरेंस को फॉलो कर रहा है। ये प्रथम 100 धनात्मक संख्या मतलब जो नंबर होगा वो एक सीरीज में होगा, जो लास्ट नंबर आपके पास आएगा वो 100 होगा, एक सर्टेन सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो एवरेज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 100 होता है 101 डिवाइडेड बाई 2, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी आंसर आएगा 50.5। तो जो एवरेज आ रहा है आपके पास वो आएगा 50.5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है 7 लगातार संख्याएं का औसत 26 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी मैंने बताया था आपके पास स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका, जिससे आप बहुत ही आसानी से नंबर को फाइंड आउट कर पा रहे थे, लेकिन ये सिचुएशन तब फॉलो था बच्चे जब ऑड या इवन नंबर की बात थी। स्मॉलेस्ट के लिए एवरेज माइनस एन माइनस वन, लार्जेस्ट के लिए एवरेज प्लस एन माइनस वन, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन में जो बातें की गई हैं वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बातें नहीं है, वो आपसे बातें कहा गया है वो ऑड और इवन की बात नहीं है, वो जो आपसे बात की गई है वो कंजिक्यूटिव नंबर का। कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस 1 का होता है, जबकि एवरी ऑड और एवरी इवन नंबर के बीच का डिफरेंस 2 का होता है। कहने का मतलब अगर आपको यहां पर स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो एवरेज माइनस एन माइनस वन का कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लीकेबल होगा, लेकिन इसमें आपको एक बात समझनी होगी, यहां पर आपको एन माइनस वन अपॉन टू करना होगा। और जब आप यहां पे लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे होगे तो लार्जेस्ट के लिए आप जो टेक्निक लगाओगे वो एवरेज प्लस एन माइनस वन अपॉन टू की टेक्निक लगेगी। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहां पर देखें 7 लगातार संख्या, हमसे स्मॉलेस्ट पूछा गया, एवरेज कितना था 26, संख्याएं कितनी थी आपके पास 7, 7 - 1 6/2, इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट था वो 26 - 3, जो आपका आंसर आया है वो 23 आया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं हम अगले नंबर की तरफ, और ये जो टेक्निक हमने यहाँ पे फॉलो की है वो नेचुरल या कंजिक्यूटिव नंबर के लिए है। यहाँ पर जो टेक्निक हमने फॉलो की है वो कंजिक्यूटिव नंबर के लिए है। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, If the average of 20 observations x1, x2, x3 up to x20 is by, then the average of x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101 up to x20 - 101, आपसे कहा गया एवरेज निकालें। क्या आपको क्वेश्चन को देखकर यह बात समझ में आ गई होगी अब तक कि जो नंबर गिवन थे बेसिकली वो x1, x2, x3, x4, x5, x20 है, जिसका जो एवरेज दिया हुआ था वो बाई दिया हुआ था। जितने भी नंबर है सब में से 101 को माइनस कर दिया गया है, x1 - 101, x2 - 101, x3 - 101, x4 - 101, जो लास्ट वाला नंबर आपके पास गिवन था वो नंबर है x20 - 101, जो इसकी टेक्निक होगी वो ये होगा,
बाई आपके पास इनका एवरेज था, अब बाई में से ही डायरेक्ट 101 को माइनस कर लो, और जैसे ही बाई में से 101 को आप माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा बाई माइनस 101। देखते हैं कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है 6 नंबर दिए हुए हैं जिनका एवरेज 32 है, स्टार्टिंग के 3 नंबर को 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई 3 संख्याओं में 4 घटा दिया जाए तो एवरेज ज्ञात करें। आप समझना, मैंने यहाँ पे नंबर लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका जो एवरेज दिया था ना वो 32 है। मतलब ये जो 6 संख्या है उनमें से प्रत्येक संख्या के पास 32 रुपीज है। पहले 3 में 2 बढ़ा दिया जाए, अगर पहले के 3 में 2-2 बढ़ा दिया जाए तो जो टोटल इंक्रीमेंट होगा वो 6 का होगा। अंतिम के 3 में प्रत्येक में 4-4 घटा दिया जाए, इसका मतलब जो डिक्रीमेंट होगा वो 12 का होगा। मतलब एक साइड आप 6 इंक्रीज करते हो जबकि दूसरे साइड आप 12 डिक्रीज करते हो, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे सीरीज में आप 6 माइनस कर रहे हो, और 6 माइनस करने का मतलब ये हुआ कि अगर 6 संख्याएं हैं तो सभी संख्याओं में आप एक एक घटा रहे हो। पूरे सीरीज में 6 माइनस कर रहे हो आप, आपके पास टोटल नंबर 6 है, इसका मतलब जितने भी नंबर्स हैं उन सभी में से आप 1 को माइनस कर रहे हो। 6 संख्या में आपने 6 घटा दिया, इसका मतलब प्रत्येक संख्या में आपने 1 माइनस कर दिया है। आपके पास जो एवरेज आया था वो 32 आया था, अगर 32 में आप 1 को माइनस कर दोगे तो जो आपका न्यू एवरेज आएगा वो आंसर आएगा 31। तो 31 का मतलब है जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। 8 लगातार संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है, कोई सीरीज होगा उसके बीच के दो नंबर जिनका एवरेज जो दिया हुआ था वो 6 है। आपको पता है कि जो मीन पूरे सीरीज का होता है वही मीन फर्स्ट और लास्ट का, वही पहले से दूसरे और अंतिम से दूसरे का, वही पहले से तीसरे और अंतिम से तीसरे नंबर का मीन होता है। इट मीन्स अगर बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का मीन 6 है तो आपसे कहा गया 8 संख्या का जोड़ बता दो, उनका सम बता दो। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता कि मीन इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर सम इक्वल टू मीन इनटू नंबर होता। मीन आपके पास 8 संख्याएं दी गई थी, इन 8 संख्याओं का जो मीन था वो 6 आ गया, क्योंकि अगर बीच की दो संख्याओं का मीन 6 है तो पूरी सीरीज का मीन 6 होगा, और संख्या आपके पास 8 है, इसका मतलब जो सम आएगा वो 48 आएगा। तो जो आंसर आ गया है वो 48 आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 15, द सेकेंड हाईएस्ट नंबर। आपको मैंने लार्जेस्ट नंबर का ट्रिक बता रखा है, एवरेज प्लस एन माइनस वन। एवरेज जो था आपके पास वो 15 था, नंबर आपके पास 4 था तो 4 माइनस वन 15 प्लस 3, इसका मतलब जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है वो 18 आ रहा है। लेकिन आपसे जो पूछा गया बच्चे वो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का मतलब है 18 माइनस 2, तो जो आंसर आएगा वो 16 आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी की कहानी है। तो जो आपका आंसर आया है वो 16 आया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है इस पर देखते हैं। 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, ये 3 के प्रथम 5 गुणज की बात नहीं कर रहा, ये फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ऑफ 3 की बात करता है। इसका मतलब पहली संख्या 3 होगी, 6 कंसीडर नहीं कर सकते, 6 मल्टीपल तो है 3 का लेकिन वो ऑड मल्टीपल नहीं है, तो 9 होगा, 12 नहीं 15 होगा, 15 के बाद 18 नहीं 21 होगा, 21 के बाद 24 नहीं 27 होगा। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई। ये जो मैंने सीरीज लिखा है इन सभी के बीच का डिफरेंस जो था वो 6 का था, इसका मतलब अगर हम मीन की बात करें तो मीन होता है हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो फर्स्ट नंबर 3 था, लास्ट नंबर 27 था डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 30/2, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो 15 आ रहा था, और आंसर अगर 15 है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 9 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपको मैंने ट्रिक बता रखा है, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू एवरेज प्लस एन माइनस 1, ये तभी वैलिड है जब ऑड और इवन नंबर की सीरीज गिवन हो। ऑड और इवन नंबर की सीरीज गिवन होगा तो हम इस टेक्निक को बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। ये तब अप्लीकेबल होगा
जब टेक्निक ऑड और इवन नंबर की होगी। आप देखो यहाँ कहता है एवरेज तो 9 था, संख्याएं आपके पास 4 थी, तो 4 माइनस 1 इसका मतलब 9 प्लस 3 जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका 12 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। चार संख्याओं का औसत 20 है, जब सी को प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाता है तो एवरेज 22 हो जाता है, तो कहता है उस कांस्टेंट वैल्यू सी का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अगर आपको अच्छे से याद है अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया, इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से करवाई है कि अगर आपके पास, आप याद करो उस क्वेश्चन को, 5 नंबर्स स्टार्टिंग के गिवन थे 1 2 3 4 5 जिसका मीन 3 आ रहा था, और मैंने कहा अगर प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए, अगर प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाता है तो जो मीन होगा वो सारे नंबर में 2 ऐड करने से ज्यादा अच्छा है, ओल्ड मीन में ही आप 2 ऐड कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। आप देखें कहता है चार संख्याओं का मीन 20 है, 4 नंबर्स आपके पास गिवन है, ये जो 4 नंबर आपके पास गिवन है इनका जो मीन गिवन था वो था 20, पर ये मीन आपके पास 22 हो गया, इसका मतलब कि आपने ओल्ड मीन से न्यू मीन फाइंड आउट करने के लिए जो न्यू मीन आया है वो 22 आया, इसका मतलब आपने 2 ऐड कर दिया। ये 2 जो आपने ऐड किया है ये इसलिए ऐड हुआ क्योंकि आपने प्रत्येक संख्या में कुछ ऐड किया था, सेम नंबर ऐड किया था, इट मींस आपने प्रत्येक नंबर में 2 ऐड किया है, तो जो आपका ऑप्शन है वो आंसर नंबर सी है। आप इस बात को अच्छे समझे, चार संख्याएं दी गई हैं जिनका मीन 20 दिया है, आपने कुछ ऐड किया सारे ही नंबर में जिससे मीन 22 हो गया, जो मैंने स्टेटमेंट बताई थी कि अगर हम प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर रहे हैं तो आपका जो ओल्ड मीन है वो 2 से इंक्रीज कर जाता है, सेम यहां पर ओल्ड मीन आपका 2 से इंक्रीज हुआ है, इट मींस वाइस वर्सा ये ट्रू होगा कि जो सारे नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स में हमने 2 को ऐड किया है, तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कॉन्टिन्यूसली आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो हमारे एडुप्राइड के वेबसाइट पर आप विजिट करें और वहां पर सारे ही चैप्टर्स के आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन कहता है 8 संख्याओं का औसत 27 दिया है, 8 नंबर्स हैं जिनका मीन 27 है, कहता है प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो एवरेज बताएं। आपको मैंने पहले ही कहा है अगर आपके पास ओल्ड मीन गिवन है, जैसा कि आपने देखा ओल्ड मीन 27 गिवन था, कहा जाता है ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 8, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 8, सो अगर आपको न्यू मीन फाइंड आउट करना है, अगर आपको न्यू मीन फाइंड आउट करना है तो न्यू मीन के लिए आप ओल्ड मीन में ही डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 27 को अगर आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, कहता 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। आपको मैंने कहा था केस चाहे ऑड नंबर का हो या इवन नंबर का, डिफरेंस निकालने में आपको किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। आप एज्यूम कर लो पहली संख्या 2 है, तो सिंपल सी बात है जो 6th नंबर आएगा ना वो 12 होगा, जो 6th नंबर आएगा वो 12 होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है मीन बताना है फर्स्ट और लास्ट का, तो जो डिफरेंस आया है 12 और 2 का वो 10 आया था, इसका मतलब जो आपका आंसर है बच्चे वो आंसर आपका 10 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो 10 आया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, चीजों को समझें। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो बच्चे इस चीज से वंचित हैं उनको भी इस वीडियो का पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। द एवरेज ऑफ 9 कंसेक्यूटिव नंबर इज n, n कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका एवरेज n है, कहता अगर अगली 2 संख्या इसमें जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पार्ट में है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी तरीके का प्रेशर अपने ऊपर ना लें, प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, आप चीजों को विजुअलाइज करने की पूरी कोशिश करें। मान लेते हैं सपोज करते नंबर 1 2 3 था, जब आप इनका मीन निकालोगे ना तो आप कहोगे कि सर फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 कर दो, 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा,
नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, आपने एक नंबर इंक्रीज कर दिया, तो आप करोगे क्या? 1 + 5 = 2, आंसर आपका 3 आ गया। अगर आपने एक नंबर इंक्रीज किया है, केवल 4 इंक्रीज किया आपने नंबर में, तो आप देखोगे क्या कि फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, 1 और 4 5, और 5 का जो हाफ होगा वो 2.5 होगा। अगर आपने नंबर में 5 को भी इंक्लूड कर दिया, अब जो मीन आपके पास आएगा 1 + 5 = 6, 6 / 2 = 3 आ जाएगा। मतलब आप यहां पर एक चीज कंसीडर कर सकते हो, देख सकते हो, जब आपने एक नंबर इंक्रीज किया है तो मीन में 0.5 बढ़ जाएगा, अनदर में भी मीन में 0.5 बढ़ जाएगा। कहता है क्वेश्चन, आप समझे, यहां पे क्वेश्चन कहता है अगर अगली दो संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, एक नंबर के ऐड होने से मीन 0.5 बढ़ जाता है, तो अगर आपने दो नंबर ऐड कर लिया है के बढ़ने से, एक नेचुरल नंबर के, एक कंजेक्टिव नंबर के बढ़ने से अगर 0.5 का मीन में इंक्रीमेंट होता है, तो दो नंबर के बढ़ने से मीन में जो इंक्रीमेंट होगा वो 1 होगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो इंक्रीज्ड बाय 1 आएगा। तो आप यहां पर इस चीज को नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर हम नंबर में एक नंबर, एक नेचुरल नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक नेचुरल नंबर के इंक्रीज करने से जो मीन इफेक्टेड होगा हमारा वो 0.5 से इंक्रीज हो जाएगा। नेचुरल नंबर अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो अगर एक नेचुरल नंबर हमारा इंक्रीज होगा तो मीन में 0.5 की वृद्धि होगी। लेकिन अगर हम एक ऑड नंबर या इवन नंबर इंक्रीज करते हैं, तो अगर हम मीन की बात करते हैं, उस कंडीशन में जो हमारा मीन आ रहा है ऑड नंबर के केस में या इवन नंबर के केस में, जो हमारा मीन आएगा उसकी बात हम कर लें। अगर आप ऑड या इवन नंबर की बात करते हो, नंबर हमने कंसीडर किया 2 और 4 और 6, जो मीन हमारे पास इस सिचुएशन में आ रहा है वो 2 + 6 / 4 / 2, इट मींस 4 आ गया। अगर आपने इसमें एक न्यू नंबर, एक नेक्स्ट नंबर इसमें ऐड कर लिया, तो मीन आपका 5 आ गया। अगर आपने इसमें एक नया नंबर और ऐड कर लिया 10, तो अब जो मीन आएगा वो 6 आएगा। तो आप कह सकते हो नंबर लगातार की संख्या है, तो डायरेक्ट ही आपने कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लिया। अब आप देखो ऑड नंबर के केस में मीन में कितने का वृद्धि हुआ, 1 का। तो आप कह सकते हो अगर एक ऑड या एक इवन नंबर इंक्रीज होता है, तो मीन में जो इंक्रीमेंट होता है बच्चे वो 1 का होता है। अगर मीन में इंक्रीमेंट 1 का हो रहा है, तो आप यहां से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हो कि अगर हम एक नेचुरल नंबर बढ़ेगा तो 0.5 की वृद्धि होगी, एक ऑड नंबर बढ़ेगा तो मीन में 1 का इंक्रीमेंट होगा। क्वेश्चन कहता है 9 लगातार संख्याओं का औसत n है, यदि अगले दो नंबर इसमें ऐड कर दिए जाएं, एक नंबर के ऐड होने से 0.5 बढ़ता, तो दो नंबर के ऐड होने से 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। कहता है 5 लगातार 5 प्राकृत संख्याओं का एवरेज m है, यदि अगले 3 संख्या को उसमें शामिल कर दिया जाए, 3 नंबर ऑड या इवन नहीं होंगे, वो नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो एक नेचुरल नंबर के इंक्रीमेंट पर आपको पता है 0.5 बढ़ जाता है। तो 3 नंबर के इंक्रीमेंट पर 3 × 0.5 जो एवरेज होगा वो 1.5 का होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी की कहानी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है 14 का, वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत बताएं। अब आपको बात अच्छे से पता, अगर हम ऐड करने की बात करते हैं प्रत्येक नंबर में, तो डायरेक्ट ही ओल्ड मीन में अगर वो नंबर ऐड कर दें तो न्यू नंबर मिल जाएगा, न्यू मीन मिल जाएगा। अगर प्रत्येक में माइनस करने की बात करते हैं, तो ओल्ड मीन में वही नंबर माइनस कर दो, न्यू मीन मिल जाएगा। अगर प्रत्येक में मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं, तो ओल्ड नंबर में ही वो नंबर मल्टीप्लाई कर दो, न्यू मीन मिल जाएगा। कहता है 10 संख्याओं का औसत 7 है और प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत बता दो, तो न्यू मीन के इक्वल टू में जो ओल्ड मीन था वो 7 है, और नंबर को जो मल्टीप्लाई कर रहे थे वो 12 से कर रहे थे, तो जो आंसर आया है आपका वो 84 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी की स्टोरी है। तो जो आपका आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 84। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की सारी ही चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। यहां तक एडुप्राइड के इस चैनल पर मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।